हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल ना लोग बड़े डेलिकेट हो गए हैं। इनफैक्ट दिस जेनरेशन इज सुपर सेंसिटिव, मतलब उनको उठते बैठते कुछ ना कुछ पर्सनालिटी इश्यूज और मेंटल डिसऑर्डर्स, सॉरी टू से दिस बट इट इज गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स नाउ। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस क्या होता है, ये पूरे एंग्शियस हो जाते हैं और इनको ADHD, लव लेबलिंग दम सेल्फ, मुझे ADHD हो गया है, मुझे पता नहीं क्या क्या, मतलब यू नो, ओ यू आर सो नार्सिसिस्टिक, ओ यू आर सो दिस। अरे बाबा, अरे क्या है कि तुम लोग कितना अपने आप को लेबल करोगे। आई एम अ स्टार चाइल्ड, आई एम एन इंडिगो चाइल्ड, आई एम अ मून चाइल्ड, आई एम अ लाइट वर्कर। ये स्पिरिचुअल गुरुज और ये थेरेपिस्ट तुम लोग का दिमाग खराब कर देंगे। जितना नॉलेज के पीछे भागोगे, जो काम की चीज नहीं है वो तुम्हें वेला और स्टूपिड बना के रख देंगे। या तो स्पोर्ट्स स्टार के पीछे भागेंगे पागल। अरे वो स्पोर्ट्स स्टार वो अलग कैटेगरी के लोग है, दे ऑल चोजन पीपल, वो सब चीजें रिग्ड होती है। तुम्हारा चांस नंबर कभी लगने वाला नहीं है। ऑल बॉलीवुड स्टार्स के पीछे, हॉलीवुड स्टार्स के पीछे, डांसर्स के पीछे, पॉप स्टार्स के पीछे कैसे भाग दौड़ते हैं। टैलेंट शो में पार्ट लेना है, फेमस बनना है, फुल टाइम जॉब बन गया है लोगों का। इसलिए सोशल मीडिया पे अपनी वाहियात सी वीडियो बना के अपलोड करते हैं और खुश हो जाते हैं मंकी जैसा डांस करके। इसमें इनकी पेरेंट्स की भी काफी गलती रहती है कि वो इनको इनसे स्टूपिड चीजों में इनकरेज करते हैं। और आजकल दूसरा फुल टाइम जॉब हो गया वीडियो गेम्स। वी आर सो इंटेलिजेंट, वी आर स्पेशल, ऐसा लगता है फ्रॉम प्लैनेट प्लूटो और समथिंग। एलियन कैटेगरी के कुछ लोग लगते हैं, वेरी हाई फाई इंटेलेक्चुअल। आई हैव सीन यंगस्टर्स टूडे स्पीकिंग इन वेरी फेक लैंग्वेज, जैसे आंटी आई एम सच अ इंट्रोवर्ट। आई एम लाइक, मैं मुंह को देखती रहती हूँ, इंट्रोवर्ट काहे की इंट्रोवर्ट, तू सेक्सी बन के घूमती फिरती रहती है और इंट्रोवर्ट हाँ इज इट। मुंह बनाते रहते हैं, इनको कुछ एडवाइस भी नहीं, मतलब अगर फीडबैक भी दे दो तो बोला आजकल के लोगों के साथ तो बात जनरेशन से बात ही नहीं कर सकते, इतने नाजुक हल्के फुलके, इनके माँ बाप के तो चेहरे बन जाते हैं। मैंने बोला अगर इनको रियलिटी चेक नहीं दोगे, यूजफुल स्किल्स नहीं सिखाओगे, वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजिंग योर इमोशंस, इंटरेक्टिंग विद पीपल, वेदर देर गुड बैड और अगली, यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, तुम नहीं उनसे बच पाओगे। नो बट माई गुरु इज टेलिंग मी अवॉइड टॉक्सिसिटी। हाँ भाई, अवॉइड इट बट यू हैव टू फेस इट ऑल्सो ना, तेरा गुरु आके फेस तो नहीं करेगा। और फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के खिलाफ करेंगे और ये ब्रेकअप और ये रोमांस को आइडलाइज करेंगे। ब्रेकअप है तो उसको ग्लैमराइज करेंगे, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे आई एम गेटिंग डिवोर्स्ड, अरे आई एम सो हैप्पी बींग सिंगल एंड अलोन। मतलब हर चीज को चढ़ा बढ़ाएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। और रोमांस को भी, और जैसे अगर लोग आर विद अ कपल और समथिंग, देन दे विल ओवर हाइपो ओवर डू इट, ड्रामेटाइज सेंसेशनलाइज करेंगे हमारी लव स्टोरी। तो मैंने बोला हाँ दिख ही रहा है तुम लोग की लव स्टोरी, फिर ना ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर आए दिन इनके बीच में झगड़े, थोबड़ा सूझा रहता है, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस, बट लोगों को दिखाते हैं हमारी ग्रेट लव स्टोरी, हम लोग तो दूसरे कास्ट के हैं, फिर हम लोग ने ऐसे किया, अपोज करके शादी नहीं, उसी से शादी करनी है। ये व्हाई डोंट वी हैव वेरी इंटेलिजेंट अप्रोच टू लाइफ, लाइक यू नो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हमें लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमारा साथ दे। गुड लुक्स मतलब एवरेज भी हो बट हिम्मत वाला पर्सन हो, या लड़का या लड़की है कि इस रिलेशनशिप को मैनेज कर सके। नहीं, ही इज चीटिंग ऑन मी, ही इज हैविंग एन अफेयर, शी इज हैविंग एन अफेयर, उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। दे मेकिंग इट फनी एंड कॉमेडी, ये चीजें कॉमेडी बन के रह गई है रिलेशनशिप्स। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे, हमारे जमाने में तो हम लोग वी वर फ्री रेंजिंग, जैसे उनका था कि नहीं ये नौकरी करके इनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट आजकल के पेरेंट्स बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भेजते हैं वो सीख क्या पढ़ाई करने के लिए, इतना लोन लेके कभी कभी वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बट स्टेटस सिंबल रहता है हमारी बेटी। मैंने बोला तुम्हारी बेटी कमा कमा के उसके पति को खिलाएगी या चला जाएगा तुम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया। और लड़का तो कम्प्लीटली यूजलेस ही रहेगा, वो तुम लोग को एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी, वो अपने बीवी को ही खिला उसकी शॉपिंग पे वेस्ट करेगा। डोंट वरी, कमा कमा के
सो थिंक अबाउट योर ओन रिटायरमेंट ना, थिंक अबाउट योर कंफर्टेबल लाइफ. ये क्या तुम्हारे बच्चे, बच्चों को पढ़ाई करके अपनी जिंदगी जीने दो ना. हाँ, तुम लोग के पास करोड़ों रुपया फूकने के लिए, फेंकने के लिए, बर्बाद करने के, लूटने के लिए, कर्जे लेके, गहने बेच के, घर गिरवी रख के, अपना खून जला जला के, दो दो नौकरियां करके. नो नो, इट्स नॉट राइट. बाकी अब मर्जी तुम लोगों की भाई, मैं क्या बोल सकती. बट द सेंसिटिविटी ना, एकदम ज्यादा एक चीज पे लेबलिंग करना, हर चीज को लेबल करना, इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग. और ओवर इंटेलिजेंट बन गए बच्चे. मैंने बोला बुकिश कहीं से रट्टा पट्टा पैरट जैसे रट के आते हैं और हमें बड़े आंखें दिखाते हैं. मैंने बोला पिद्दू तू अभी तक डायपर में है और अंडे में से बाहर नहीं निकले और आंखें दिखा रहे भाई. एटीट्यूड तो देखो, स्टूपिड. एनीवे, टेक केयर ऑफ योर सेल्व. जस्ट आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन ऑन